हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBSE के बोर्ड में तो पक्का पक्का न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एंड अगर आप वो इसकी बात करोगे, कंपटीशन की बात करोगे, तो यहाँ पे भी बहुत हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वेव नेचर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी को हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। फिर हमने देखा था कि उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक था जिसको समझा नहीं पाया था, एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अभी हम आगे देखेंगे। इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, कॉपी पेन निकाल के बैठो, साथ में नोट करते रहो, और जो भी डाउट हो उसको नोट करके रखो, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको आपके लिए रिजॉल्व करूंगा उन सारे डाउट्स को। तो सबसे पहली चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, किसने एक्सपेरिमेंट किया, किसने समझाया, इसको किस तरीके से न्यूमेरिकल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो न्यूमेरिकल को सही करने के लिए बच्चों थ्योरी का अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से सुनना, एंड अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, अगर मैं ध्यान से देखूँ टर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री में फोटो जो सिंपल वर्ड है इसका मतलब होता है लाइट। तो कहीं पे भी फोटो वर्ड होता है इसका मतलब लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट मीन्स लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, समथिंग ऐसे इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट को 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने किया था, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। ओके, ये वही हेनरी हर्ट्ज हैं, तो जिसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, दिस इज सिमिलर टू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आपके पास एक ट्यूब है। और उन्होंने क्या नोटिस करा, इन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने ये देखा कि जब भी मेटल सरफेस लाइक सोडियम, सीजियम, रूबीडियम, ये सारी चीज़ों पे लाइट स्ट्राइक करती थी तो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, और इसी फिनोमिनन को आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक में तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, दैट मीन्स दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो दिस इज लाइक कि फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस व्हेन मेटल सर्फेस इज एक्सपोज टू लाइट। तो यहाँ पे ये जो है ना बच्चों, ये जो प्लेट है, ये मेटल सर्फेस है। दिस कैन बी पोटेशियम, दिस कैन बी सोडियम, दिस कैन बी रूबीडियम, दिस कैन बी सीजियम। तो जब ऐसे मेटल सरफेस पे, ये एच वी क्या है अभी मैं बताता हूँ, दिस इज़ सनलाइट, फिलहाल के लिए इसको ये मान के चलो कि ये सनलाइट है। तो जब भी सनलाइट के पास एनर्जी होती है ना, तो जब वो एनर्जी स्ट्राइक करती थी मेटल के सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, सर्किट कंप्लीट होता था। यहाँ पे एमिटर लगा दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखता था। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन, कहाँ से इजेक्शन, मेटल के सर्फेस से, क्योंकि आपको पता है इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब उसको एनर्जी पास करते थे तो वो निकल जाता था आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता था कंडक्शन बैंड में। तो जब इस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो निकलता है। तो फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट हेनरी हर्ट्ज ने किया, उन्होंने बताया कि जब भी लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सर्फेस को तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन है, तो उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, क्यों होता क्या, अगर आपको बताया जाए तो हेनरी हर्ट्ज नहीं कर पाए उसको एक्सप्लेन, वो ये नहीं कर पाए, इसके जितने भी रिजल्ट थे, जो भी उन्होंने रिजल्ट ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और आपको ये इम्पॉर्टेंट है जानना, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है जानना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो इसी चीज़ को समझाने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए उनको मिला था, ना कि जो आप हम समझते हैं कि उनका जो आइकॉनिक फार्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। तो बेसिकली आप सिंपली ये जानो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए उनको क्या नोबेल प्राइज़ मिला था। समहाउ बोथ आर रिलेटेड, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन समझा पाए थे, ये ऐसे कौन से रिजल्ट हैं जिसको हेनरी हर्ट्ज़ समझा नहीं पाए और जिसको बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या रिजल्ट्स थे। ओके, तो आइए एक एक करके उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। सो सिंपल, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सबसे पहले रिजल्ट की बात करूं, तो इसका था एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स, साथ के साथ नोट करना, स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन वाज इजेक्टेड। इम्पॉर्टेंट, देयर वाज नो टाइम लैग। उनका कहना था कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस को, उसी सेकंड लगभग जीरो टाइम्स लैप्स, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाता है। पहली चीज तो उन्होंने ये बताई। दूसरा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन वाज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या क्या है बच्चों, सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आप अभी नोट कर लो कि सबसे पहला, एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन वाज इजेक्टेड देयर वाज नो टाइम लैग, बिना किसी टाइम लैग के वो निकल गया। दूसरा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट होते थे, कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होती, इंटेंसिटी क्या होती, ये सारी चीज़ें मैं आपको आराम से बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल ये पॉइंट्स नोट कर लो। एंड तीसरा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट वाज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम होती थी तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, समझ में। तो ये तीन पॉइंट को नोट करो, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, किस तरीके से है, और यही सारी चीज़ें आइंस्टीन ने समझाई थी जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो आई होप आपको ये तीन पॉइंट क्या है ये तो एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे। इसको डिटेल में समझाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो क्या है, ठीक है। सबसे पहला है कि एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सर्फेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। एंड तीसरा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो, वो रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं सबको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, सबसे पहली चीज है ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर मेटल सरफेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है किसके इन्फ्लुएंस में है बच्चों, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। न्यूक्लियस उसको खींच के रखे हुए अपने पास, अगर न्यूक्लियस नहीं खींच के रखता तो वैसे ही वो निकल जाता ना, है ना। दैट मीन्स अगर ये पोटेशियम में है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये, जिसके इसको न्यूक्लियस ने खींच रखा है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसको एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको बाहर निकलने के लिए, कम से कम उतनी एनर्जी तो चाहिए ही होगी जितने से इसने इसको खींच रखा है। तो सपोज करो कि ये मार्कर में ढक्कन मैंने बंद कर दिया, ध्यान से समझना। अब इसको निकालने के लिए मेरे को जितनी जान लगानी पड़ रही है वो जान कितनी होगी, जितने टाइट ये पकड़ रखा होगा इसके ग्रिप ने इसको, हाँ है ना। अगर उससे कम मैं दूंगा तो ये कभी भी नहीं निकलेगा, है ना। दैट मीन्स जो मेरे को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी जितने से इसने पकड़ रखा है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा उतनी, अगर मैंने बिल्कुल कम एनर्जी लगाया तो यहीं तक मेरा हाथ गया, लेकिन अगर मैं एनर्जी ज़्यादा लगाऊंगा तो मेरा हाथ भी ज़्यादा दूर तक गया। अब ये जो मैंने बताया, जो मैंने विजुअलाइज़ कराया, इसको किस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ वो देखो। दिस विल बी इलेक्ट्रॉन, ये जो ढक्कन है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो मेरे हाथ पे एनर्जी है दैट इज़ लाइट की एनर्जी जो इसको निकालने के लिए यूज़ हो रही है। अब जब मैं रिलेट करा रहा हूँ तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके इस वाले पॉइंट पे आना, जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकला, देन यू विल बी एबल टू रिलेट। देखो कैसे, सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला कि मेटल सरफेस, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ये चीज़ आपको समझ आ गई है, मैं यहाँ पे बड़ा बनाता हूँ इसको, ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे सनलाइट आ रही है।
अभी जो लाइट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि प्लैंक्स एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे सनलाइट की एनर्जी कितनी होती है, तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो दैट मीन्स इनकमिंग लाइट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। अगर एच न्यू है इनकमिंग लाइट की फ्रिक्वेंसी, तो मेरे को पता है कि ये जो सरफेस पे, ये जो मेटल सरफेस है, यहाँ का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने खींच रखा है, ठीक है, न्यूक्लियस ने खींच रखा है। कम से कम आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप उसको वहाँ से निकाल पाओ। अदरवाइज सपोज करो कि इसने एक्स यूनिट के फोर्स से खींच रखा है और आप जो बाहर से एनर्जी दे रहे हो एक्स यूनिट से कम है, तो डालते रहो लाइट, ये कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाओगे। दैट मीन्स सिंपली आप जो खींचने की कोशिश कर रहे हो आपकी एनर्जी ही कम है जिस फोर्स से इसने इसको पकड़ रखा है। आपको कम से कम आपके जो सनलाइट है उसकी एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए जो इसके ग्रिप से ज़्यादा हो। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि देखो, जब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कम करूँगा तो एनर्जी ओवरऑल कम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी यहाँ तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दिस इज कांस्टेंट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो एनर्जी चेंज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी लाइट की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ तो लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर ये रेड लाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लाइट की एनर्जी कम होगी। लेकिन यही अगर ब्लू लाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ब्लू लाइट की, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन है कि सपोज करो कि मान लो कि अभी मैं आपको समझाने के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करता हूं। तो सपोज करो कि विवग्योर ग्रीन, मैं मानता हूं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी ग्रीन की होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी ग्रीन लाइट की होती है। अभी ग्रीन लाइट की भी एक रेंज में होती है, तो मैं मान लेता हूँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो ग्रीन की होती है उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर ग्रीन की जगह आपने येलो लाइट पास किया होता तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं, क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू है, जैसी आपने ग्रीन से येलो कर दिया फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और जब मिनिमम एनर्जी ग्रीन के बराबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए थी निकालने के लिए, तो येलो की एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी ओवरऑल कम हो गई। और एनर्जी ओवरऑल अगर कम हो गई तो लाइट निकाल ही नहीं पाओगे ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ग्रीन की जगह यहाँ पे ब्लू डाल दिया, इंडिगो डाल दिया, वायलेट डाल दिया, तो और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो निकलेगा तो सही बिल्कुल, आप और जान लगा रहे हो, तो आपका हाथ और दूर तक जाएगा, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तेज़ हो जाएगा। और अगर आपने कम कर दिया तो फिर तो जब येलो पे ही नहीं निकल रहा था तो ऑरेंज की तो फ्रीक्वेंसी और कम होगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। रेड की फ्रीक्वेंसी और कम होगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो दैट मीन्स एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स हर मेटल की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और उसके जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हर मेटल के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जिसके लिए आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए होती है, अगर वो आप दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि जो एच न्यू मैंने एनर्जी दी उसमें से यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो खाली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही कितनी एनर्जी यूज़ हो जाएगी, एच न्यू नॉट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी में से इतनी एनर्जी तो मेरी खाली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में चली जाएगी। उसके बाद अगर मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा हुई, मेरे को पता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड से, तभी मैं इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊँगा, क्योंकि कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, बाद में तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो मैंने मिनिमम एनर्जी दे दी इतनी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए,
उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी अपनी एक स्पीड होगी। अगर आपने ज़्यादा एनर्जी लगाई तो जितनी ज़्यादा लगाओगे उतनी दूर तक आपको जाता हुआ दिखेगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो एक स्पीड से आएगी। तो उसके लिए वो काइनेटिक एनर्जी स्पीड में आ रही, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। दैट मीन्स जो आप टोटल एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में उस मेटल सर्फेस पर स्ट्राइक करा रहे हो वो किसके बराबर हो गया, जितना एनर्जी उसको चाहिए मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए वो प्लस जिस स्पीड से आएगा, दैट मीन्स जिस स्पीड से जा रहा और जितना निकालने के लिए चाहिए था वही। तो पूरा दैट मीन्स ये पूरी एनर्जी किस में यूज़ हुई, इसको यहाँ से निकालने में, और निकालने के बाद जितनी एक्स्ट्रा बच गई होगी उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। अब ये जो एच न्यू नॉट है, दिस इज थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, और ये जो एच न्यू नॉट है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो, ठीक है। ये क्या होगा मिनिमम, वो क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी होगी वो मिनिमम एनर्जी हो गई, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस, और बाद में हाफ एम ए वी स्क्वायर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी आपने दी सनलाइट के फॉर्म में वो दो चीज़ों में यूज़ हुई, एक तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वहाँ से निकालने के लिए वहाँ पर यूज़ हो जाएगा, और दूसरी अगर आपने ज़्यादा दी है तो आपका किसी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब अगर आपकी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई तो आपका क्या हो जाएगा कि सारी की सारी एनर्जी तो यहीं पे यूज़ हो जाएगी, ये कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। अगर आपको कुछ जो फ्रीक्वेंसी चाहिए एग्जैक्टली आपने उतनी फ्रीक्वेंसी दी तो वो तो जस्ट आपको यहाँ से निकाल के छोड़ देगा, किसी भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाएगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, कम है तो फिर ये कुछ होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही निकल पाएगा। स्ट्राइक ही करते रहो और मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए आप उतनी ही नहीं दे पा रहे तो इलेक्ट्रॉन कभी भी निकल नहीं पाएगा वहाँ से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब अगर वापस मैं रिजल्ट पर जाता हूँ तो रिजल्ट पर तीन चीज़ें बताई गई। सबसे पहली चीज़ ये थी कि एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स द सर्फेस इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दैट मीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, जैसे ही एनर्जी इस पर स्ट्राइक करती है तो जो सनलाइट है जो उसकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र किस में होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, और जैसे ही उसको इनफ एनर्जी मिलती है जो उसको न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर कर पाए वो बाहर निकल जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, किसमें कंडक्शन बैंड में, और वो बाहर आपका दिखता है कि यहाँ से स्ट्राइक करके दूसरे वाले नोड पे जाता है और वहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी तक नहीं समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा बच्चों, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बच्चों होती है एक यूनिट एरिया पे कितनी ज़्यादा लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे कितनी ज़्यादा लाइट फॉल कर रही है। इसको समझाने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। सपोज़ करो कि ये टॉर्च है और यहाँ से इसकी लाइट निकल रही है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो यहाँ से लाइट निकलेगी, लेकिन आपको पता है कि लाइट ऐसे डाइवर्ज होगी चारों तरफ, है ना, लाइट ऐसे कोनिकल फॉर्म में बाहर डाइवर्ज होगी। तो अगर मैं पेज यहाँ पे रखूँगा तो आपको दिखेगा कि ये डाइवर्ज यहाँ तक होगा, ये डाइवर्ज यहाँ तक होगा, पेज यहाँ तक है, तो एक बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट गया इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये डाइवर्ज जितना हो रहा था पूरा का पूरा लाइट इसी के ऊपर आ गया, मैं यहाँ पे रख दूंगा तो सारा का सारा लाइट इस पेज पे पड़ रहा होगा। दैट मीन्स एक यूनिट एरिया पे कितनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है उसको आप इंटेंसिटी बोलते हो, और हमेशा याद रखना इंटेंसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी पेज और किसी लाइट सोर्स का डिस्टेंस हाफ कर दूंगा तो इंटेंसिटी चार गुना बढ़ जाती है, बात समझ में आई। तो दैट मीन्स जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ज़्यादा उस पेज पे फॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ लाइट की तो नंबर ऑफ लाइट्स, नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस वो इंक्रीज हो जाएगा, और हर पार्टिकल जो लाइट का स्ट्राइक कर रहा है, जो मेटल सरफेस पे गिर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा होगी तो जितने ज़्यादा लाइट पार्टिकल फॉल करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट यही आपको बताता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ गया तो सिंपल है कि मेटल सर्फेस पर कितने लाइट पार्टिकल्स गिर रहे हैं वो बढ़ गया, वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा लाइट पार्टिकल गिर रहे हैं, सबकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब कॉमन सोर्स होगा, इसीलिए
सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आएगा। थर्ड पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हो। तो ये फाइनल बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा किस तरीके से आपको इसको यूज़ कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एनर्जी दे दिए, आपको वेलोसिटी दे रखी होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, आपको बोलेगा कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दो। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया, आपको ये एनर्जी दे दी, आपको बोलेगा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ये निकालो। ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको वेलोसिटी दे दी, आपको बोलेगा जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी क्या है, वो कौन से रेंज में फॉल करती है। तो सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें देगा, तीसरी चीज़ आपको निकालने के बोलेगा। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जा सकता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आई होप आप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि थ्रेशोल्ड आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जाते जाते एक टॉपिक मैं बता दूं कि जैसी ये सारी चीज़ें प्रूव हुई ना, उस टाइम साइंटिस्ट कन्फ्यूजन में पड़ गए, कि मतलब एक डिलेमा उनके साथ हो गया कि एक्चुअली लाइट क्या है, फिर वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को उनको समझने के लिए कोई और रास्ता था ही नहीं, कि मतलब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जैसे डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस वो वेव नेचर सपोर्ट करता है, वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीज़ हो गई, ये आपको पार्टिकल नेचर ही समझा पाता है। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने ये माना कि जो लाइट होता है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो डुअल बिहेवियर होता है इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।